अमेठी जिले में मुसाफिर खाना विकास क्षेत्र के निवादा गांव में बने बृहद गौ संरक्षण केंद्र का उद्घाटन मौजूदा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था, लेकिन आज इस गौ आश्रय की स्थिति बड़ी नाजुक सी हो गई है। आए दिन यहां गोवंश भूख प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर रहे हैं। चोटिल गायों को पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गोवंशों को सूखा चारा के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। गौ संरक्षण केंद्र की तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस गौ आश्रय की देख रेख आप करवा रहे हैं? यहाँ पर काफी जानवर मर रहे हैं और कुछ कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं। इनको खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? सर, दूसरे तीसरे इनका हरा चारा आता है, भूसा भी रहता है। कल परसों में सर चुनी चोकर बताया गया आएगा। अच्छा, और सूखा चारा तो हमें दिखाई दे रहा, पहले भी मैं जो है कवरेज कर चुका हूँ, लेकिन सूखा चारा के अलावा कोई हरा चारा या कुछ दाना कुछ दिखाई नहीं दिया इन जानवरों को देने के लिए? सर, कोई प्रॉब्लम बीच में गाड़ी का हो गया था, इसलिए अभी नहीं आ पाया और कल परसों तक आ जाएगा। और तीसरे चौथे मतलब हरा इनका। अच्छा, इस गौ आश्रय, अच्छा इस गौ आश्रय केंद्र पर कितने जानवर हैं टोटल? 292 सर है, लेकिन इस पे तो जानवर काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। कुछ इधर उधर चले गए हैं ना, बाहर भी चले जाते हैं घूमने चरने के लिए भी निकल जाते हैं। अच्छा, अंदर तो हमें 150-160 के लमसम दिखाई दे रहे हैं जानवर जो है। सर, जो कमजोर होते हैं उनको अपना बाहर निकाल। तो रजिस्टर है कि नहीं है? रजिस्टर नहीं सर, रजिस्टर नहीं। तो रजिस्टर कहाँ पे है? ये साहब के लोग के पास है। किन के पास है? प्रधान साहब। क्या नाम है उनका? श्री सरोज कुमारी। उनके पास है रजिस्टर? अच्छा, तो ये जो आपके ग्राम सचिव हैं ये आते हैं कि नहीं आते हैं? ये नहीं आते। कभी नहीं आते हैं ना? आते भी आते नहीं हैं। जब से इन्होंने चार्ज लिया तब से एक दिन आए थे, तब से दोबारा नहीं आए। कितना दिन हो गया इनको चार्ज लिए? सर, एक महीने से ऊपर हो गया हमें लग रहा। हाँ, लगभग दो महीने। और इनके द्वारा आश्वासन, जब मैं पहली बार कवरेज करने आया था तो एक महीने के पहले जब आवाज़ उठाई थी तो इन्होंने आश्वासन दिया था, ये जो है चूनी चोकर को लेके इन्होंने बोला था कि मैं एक दो दिन में भेजवा रहा हूँ। आया कि नहीं आया? तब से नहीं आया। बता तो रहे कि कहीं गाड़ी का कुछ वो हो गया था, प्रॉब्लम, इसलिए नहीं आ पाई। अब कल परसों में बोल रहे हैं कि आएगी। तो यही अभी इस समय तो यही सूखा चारा दिया जा रहा है? हाँ, सूखा चारा दिया जा रहा है। कभी कभी तीसरे चौथे दिन हरा चारा आता है तो उसको ऐसे खड़ी फेंक दिया जाता है, सब चुने लेते हैं। और ये डॉक्टर जो है आते हैं? डॉक्टर डेली आ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर आ रहे हैं, बस एक ग्राम सचिव हैं जो नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो अब फोन पे बात नहीं करते इनसे जो है आप लोग? नहीं सर, फोन पे बात नहीं करते हैं। सर, हमारा सब लोग का एक विनम्र निवेदन है कि हम सब लोग का तनख्वाह जो बढ़ाया जाए, 2000 में काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ गौ आश्रय में कितने गोवंश हैं, जब इसकी जानने की कोशिश की गई तो गौ आश्रय के कर्मचारियों ने बताया कि जो गौ आश्रय का रजिस्टर है उसे ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि एवं ग्राम सचिव छिपा रखते हैं। ये खेल कई महीनों से चलता आ रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से इस गौ संरक्षण केंद्र की स्थिति दयनीय है। यहाँ जरूरी है कि जाँच हो और जो जिम्मेदार हैं उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाए ताकि ये गौ संरक्षण केंद्र संभल सके। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।